पीजिए, हम नहीं पीते। ए, घूट में गटर जाओ इसे। हम नहीं पीते। अरे कमाल करते हो, गटर जाओ। नहीं गटर जाओ, गटर जाओ। फंस गए अलादीन, तुम अपनी हर एक चाल हमें बताओगे। इतना भाव गाय को खा रहे लिए, अपन से बात करना बिडू। क्या बात करूं चटर पटर, मैं मुच्छड़ को पकड़ने वाली होती ही हूँ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। मैंने चंदन की लकड़ियां जलाकर उसे रोक तो दिया, पर अभी भी उसकी असलियत से अनजान हूँ। ऐसे कब तक चलेगा? हाय ला, क्या हुआ बिडू? सांप। सांप। हाय ला। सांप। चटरपटर सांप। सांप। चटरपटर ये वही सांप है जिसे हम हवाला में डसा था। क्या? और तेरे पिच्छू सरकता सरकता यहाँ तक आ गया? चटरपटर इसकी तो। संभल कर। चल इसे जंगल में छोड़ आए। हाँ। अब अलादीन के सारे पत्ते खुलेंगे भाईजान। होश में आने के बाद ये सिर्फ सच बोलेगा। बेहतरीन, सच की दवा तुमने दे दी, होश की हम दे देते हैं। अलादीन, पहले अपनी आंखें खोलो और फिर अपनी जिंदगी की हकीकत को खोलो। पतला अम्मी। देखा भाईजान, मैं कहती थी ना, ये लड़का आपके भरोसे के लायक है ही नहीं। आखिर ये गद्दार निकला। इसकी बस किस्मती। अब इसे सजा। सजा? सजा तो वो जिंदगी है जो अपनी अम्मी की मोहब्बत से महरूम, जैसे हमारी है। हम 8 महीने के ही थे जब हमारी अम्मी चल बसी। ये सब कुछ अब्बू की वजह से। अब्बू ने हमसे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन सुल्तान जफर ने किया। और अब तुम्हारा मकसद क्या है? काला चिराग। हम सुल्तान जफर के लिए काला चिराग लाना चाहते। अब्बू को दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। उनसे हम अम्मी का बदला लेना चाहते हैं। हम ता उम्र सुल्तान जफर के शागिर्द बने रहना चाहते। सुल्तान जफर ने हमें एक नई जिंदगी दी, हमारी जिंदगी को एक नया मकसद दिया। भैया रुका भैया।
चार मीनारे पे बिल्कुल यही बातें कही थी उसने हमसे। मेरी चाल कामयाब रही, आका पर सच के जहर का कोई असर नहीं हुआ। एक मर्तबा उसका इरादा, उसकी नियत, उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना चाहेंगे। पर आप उसका सच कैसे जानेंगे भाईजान? जहर तुम तो अपने जादू से एक ऐसा नुस्खा बनाओ जिसे चखते ही वो अपना सारा सच उगल दे। इससे पहले कि कोई मुझे देख ले मैं यहां से चलता हूं। लगता है कमीना छांसे में आ गया। पहला इम्तिहान तो पार कर लिया अलादीन, अब दूसरे की बारी है। ये जिन्नात लोगों के आराम करने का वक्त होता है, इस समय सब घोड़े बेच के सो रहे होंगे। यही सही वक्त है किताब चुराने का। एक काम करूं मैं पूरा कुछ ना करूं अधूरा जी, बस आना चाहे मेरे दादा जी। हाँ क्यों ना मैं जादू करूं, काफी लाना मेरा शबाब, मिल जाए दादाजी की किताब। जी मिल गई। ये क्या? मैं ऊपर क्यों नहीं जा रहा? अरे मेरा वजन बढ़ गया है क्या? कम खाऊंगा फिलहाल तो ऊपर जाऊं। मैं ऊपर क्यों नहीं उड़ पा रहा हूं? क्योंकि मुर्गे उड़ते नहीं मुर्गे। दादाजान क्या हुआ? तुमने हमारी नाक कटा दी। दादाजान जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है आपका गुस्सा और बढ़ रहा है। हिरनी से हमारी चाल है, उल्लू से हमारे कान है, हमारा नाम आलिफ खान है। हम जमा थे, हम जमा है और हम जमा रहेंगे। हाँ दादाजान आपसे मिलके बहुत खुशी हूँ। और हमें तुमसे मिलके गुस्सा आ रहा है। और क्यों? क्योंकि ये जिन्नात की दुनिया है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। जब मर्जी आई तशरीफ ले आए, जब मर्जी आई तशरीफ ले गए। माफी चाहूंगा दादाजान, ये मेरे बाप का घर नहीं है। लेकिन मेरे बाप के बाप का घर तो है। खामोश गुस्ताख, हम तुम्हें आज सबक सिखाएंगे। नहीं। दादाजान मैं काफी सिखाया पहले से ही हूँ, आप मुझे और ना सिखाएं। जिन्नात की जन्नत का खड़ा, ये भाई कड़ा है ना, तो तुम अब से 24 घंटे पहले चुरा के चले गए थे। अब तुम्हारा दिमाग हम ठिकाने लाएंगे। चोरी से ले गया ये हमारा कड़ा है, वापस कर। अब तक किए जो जादू उनका असर और बेअसर। दादाजी ये क्या किया दादाजान? शिफान We'll be right back.
शिफान, आप दोनों तो ऐसा डर रहे हो जैसे जैसे कोई सांप देख लिया हो। सांप ही तो था। हाँ। तू खजूर, अभी तो सांप बनके लहरा रहा था। आप भी अच्छा मजाक कर लेती हैं चटपटे। वो मजाक नहीं कर रही है, तुम सचमुच सांप में तब्दील हो गए थे। वही तो, और तूने सुमड़ी में अपन की यास्मीन को टच भी लिया था शाने। पता नहीं, मुझे तो हवाला के बाद तो कुछ याद ही नहीं। मैं तो ये तक नहीं जानता कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा। मतलब तुम सांप कैसे बने, सांप बनने के बाद क्या हुआ और तुम वापस इंसान कैसे बने, तुम्हें कुछ नहीं मालूम? ये जरूर उस निकम्मे शहजादे का काम होगा। उसने तो मेरी जान बचाई। यही उसका खेल होगा। बोले तो मतलब शहजादे ने जीनू से जानबूझकर मुझे सांप में तब्दील करा दिया होगा ताकि मैं आपको डस लूं और वो आपकी जान बचा ले। इससे आपकी नजरों में उसकी इज्जत बढ़ जाएगी और साथ ही साथ मच्छर की असलियत भी राजी रहेगी। वो मच्छर का पीछा ना करने को और मुझे बार बार लौट जाने को कह तो रहा था, तो क्या शिफान की बात सच है? इस बार उसने मुझे सांप बना दिया, अगली बार न जाने क्या करेगा। ये मुच्छड़ का पर्दाफाश करने के आपके रास्ते में बार बार आता रहेगा यास्मीन। अब हमें उसे मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा। अलादीन फिर कुछ करे उससे पहले मुझे सुल्तान जफर से मिलके मुच्छड़ की हकीकत उन्हें बतानी होगी। इससे पहले कि हम तुमसे हाथ मिलाएं, हम तुम्हें किसी ऐसे शख्स से मिलाना चाहते हैं जो तुम्हारी तारीफ में कुछ कहना चाहता है, क्यों जहर? जी बिल्कुल भाईजान, मुलाकात करा ही देते हैं आपकी। ये जफर हमें किससे मिलवाना चाहता है? बड़ी बेसब्री से जानना चाहते हैं कि आखिरी मेहमान तुम्हारी तारीफ में क्या कहता है। सुल्तान जफर, चोरनी, चोरनी यहाँ क्या कर रही है? ये हमारे पीछे पीछे यहाँ पे भी आ गई। हमारी बहन जहर ने हमें बताया कि तुम हमसे अलादीन के बारे में कुछ बात करना चाहती थी। कहो, बेफिक्री से कहो, वो यहाँ आसपास में कहीं भी नहीं। हम यही यास्मीन। यास्मीन, हाँ, देख ली देख ली देख ली। अरे कुछ बोल क्यों नहीं रही है, लगता है हम इसको देख पा रहे लेकिन वो हमें नहीं देख पा रही। यास्मीन, यास्मीन, या अल्लाह, न जाने ये क्या कहने वाली है। जी सुल्तान, मैं तो बस सच कहने आई हूँ। आप अलादीन पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज तो खेल खत्म, पूरा ही पूरा खेल खत्म। खुद भी मरेगी और हमें भी मरवाएगी। सुल्तान, अलादीन आपको धोखा दे रहा है, ये बात मैं साबित कर सकती हूँ। अरे मत करो साबित यास्मीन।
जहर की वजह से परेशान है ना, मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं यास्मीन अप्पी से कहूंगी। किसी से कुछ मत कहना सुनहरी। अलादीन भाईजान से भी नहीं, किसी से नहीं, वरना वो जहर से लड़ पड़ेंगे। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। अलादीन है कहाँ? न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि वो किसी मुश्किल में। क्या अल्लाह उसकी हिफाजत करना। सुल्तान, अलादीन आपको धोखा दे रहा है, ये बात मैं साबित कर सकती हूँ। अरे मत करो साबित। यास्मीन, आप कहना चाहती हैं कि अलादीन हमें धोखा दे रहा है? वो कैसे? बगदाद के सबसे बड़े दुश्मन मुच्छड़ का साथ देके। ये मुच्छड़ के बारे में जानती है? कहीं ये भी हमारे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही? निकम्मे शहजादे, अब तुम सुल्तान के सर दर्द हो, तुम्हें वो देख लेंगे और मुच्छड़ को मैं। हमें अपने रास्ते से हटाने के लिए तुम सफर के रास्ते पे आ गई। हाँ, ये सफर यानी मुच्छड़ तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आपने मुच्छड़ को देखा है? नहीं, 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 नहीं। जी सुल्तान, मैंने तो कई बार छुपके उसका पीछा भी किया है। वो चंदन की लकड़ियों की तस्करी करने हबाला के जंगलों में गया था, मैंने वहां भी उसका पीछा किया था। मतलब आपने उसकी शक्ल देखी? नहीं 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 जी। लेकिन मैंने उसे नकली दाढ़ी मूंछ के साथ देखा है, उसका असली चेहरा नहीं देखा। अच्छा वह नहीं देखा, देख लेती तो ऐसी हरकत नहीं करती। लेकिन सुल्तान, उसका चेहरा ना बहुत जाना पहचाना था, उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि मैं उसे जानती हूँ। खैर, देखूंगी तो पहचान लूंगी। सुल्तान, आपको जानकर बहुत खुशी होगी, मैंने उसकी चंदन की तस्करी की मुहिम पूरी तरह खराब कर दी। ये लड़की कैसी? उसका सारा चंदन जला दिया। आज इस लड़की के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आज ये चुप ना होने की कसम खा के आई है। अरे चुप हो जा। सारी चंदन की लकड़ियां आपने जला दी? जी, और इंशाल्लाह एक दिन उसकी नकली दाढ़ी मूछ भी जरूर जलाऊंगी। मासूम लोगों की बेच खरीद करता है, छोटे बच्चों को उनके अम्मी अब्बू से अलग करता है। खामोश। और उसे गधे पर बैठाकर जूतों की माला पहनाकर पूरे बगदाद में घुमाऊंगी, और बगदाद की आवाम उस पर सड़े हुए टमाटर और अंडे बरसाएगी। उसके साथ हो नहीं है। खामोश। लगता है जिंदगी का बस तुम्हारा इतना ही सफर था यास्मीन, जहाँ जाना खुश है। हम सोच रहे थे कि अलादीन की कोई चाल है, ये लड़की हमारा रास्ता काटते आ रही थी। सुल्तान, मैं समझ सकती हूँ आपको उसके नाम का जिक्र सुन के ही कितना। आमोश। एक लफ्ज भी आ गया आपने कहा, हमारा बुरी बात का गुस्सा
आप दमदार देंगे।